मित्रों नमस्कार। सबसे पहले आपको एक बड़ा सा थैंक यू, वह इसलिए क्योंकि आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका सहयोग लगातार मेरे इस चैनल को मिल रहा है। हमारा परिवार लगातार रोज बढ़ रहा है। बस ऐसे ही आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। किन विषयों पे आपको वीडियोस चाहिए कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मेरे इस चैनल पे जो लोग पहली बार आए हुए हैं, निवेदन उनसे यह विशेष है कि सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो घंटे का निशान है उसको आप दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। आज आप लोगों को यह जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, रंग बिरंगी कलरफुल, इनका एक मकसद है और आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं रंगों के बरसात के त्यौहार की। होली मतलब रंगों की बरसात। रंग भरी होली 29 मार्च सन 2021 दिन सोमवार को इस वर्ष मनाया जाएगा। विक्रम संवत 2077 में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा की तिथि को होली का त्यौहार आदिकाल से चलता आ रहा है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस त्यौहार को हम पूरे जोश और उत्साह के साथ दिनांक 29 मार्च 2021 ईस्वी को मनाने के लिए पूरी तैयारी कर लिए हैं। आज के विषय में आपको होली के त्यौहार के बारे में कुछ अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। यदि आपको अच्छा लगे तो बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हम होली क्यों मनाते हैं, रंगों का चयन करने में हमें किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, होली के त्यौहार का क्या है धार्मिक महत्व। आज संपूर्ण विश्व में होली मनाया जा रहा है। यह मेलजोल का त्यौहार है। वर्ष भर के, साल भर के हमारे जितने भी आपसी भेदभाव हैं उनको भूल करके हम अपनों को अपने गले लगाते हैं। रंग बिरंगे पिचकारी से बालकों के द्वारा जीवन की सजीवता का प्रदर्शन किया जाता है। क्या बूढ़े और क्या बच्चे, हंसी ठिठोली अबीर गुलाल के रंगों का यह महाउत्सव हमारे जीवन की निरस्ता को दूर करता है और एक नई स्फूर्ति, ताजगी तथा नएपन का भाव हमारे भीतर से भरता है। होली का त्यौहार शास्त्रीय मतानुसार आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही मनाया जाता है, साथ ही यह संपूर्ण वैज्ञानिकता को भी अपने अंदर अपने भीतर समेटे हुए है। होली के त्यौहार को यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमको उसमें कई प्रकार के लाभ ही दिखाई देते हैं। बस और केवल एक ही बात का हमको ध्यान रखना होता है, एक ही बात का हमको ख्याल करना है और वह यह है कि केमिकल वाले रंगों का प्रयोग भूलकर भी न करें, कदापि न करें, क्योंकि यह जो केमिकल वाले अप्राकृतिक रंग हैं निश्चित रूप से हमारे और आपके स्वास्थ्य के लिए विपरीत प्रभाव डालेंगे। प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग करें। आपको उदाहरण के लिए मैं एक छोटा सा सुझाव दे सकता हूँ। यद्यपि मैं अपने को उतना योग्य नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके साथ निवेदन करना चाहता हूँ, उसे धृष्टता जानकर क्षमा करिएगा। आप हल्दी की जो गांठें हैं उनको पीस करके सूखी हल्दी के पाउडर के रूप में परिवर्तित कर लीजिए। आप उन सूखे हल्दी के पाउडर से भी जिस तरह से अबीर गुलाल उड़ाते हैं, ठीक वैसे ही आप होली खेल सकते हैं। यकीन मानिए, विश्वास मानिए, आपके द्वारा यह जो नया कार्य किया जाएगा निश्चित रूप से प्रकृति इसमें आपको लाभ प्रदान करेगी। अबीर गुलाल हमारे भीतर के उमंग और तरंग को गगन के निकट ले जाते हैं। ढोल नगाड़ा बाजा गाना गीत संगीत के खुशी और आनंद में संपूर्ण जनमानस डूब जाता है। होली के दिन पुरानी कटुता को भूल जाते हैं और शत्रुता की गांठें खुलने लगती हैं, साथ ही नवीन मेल और दोस्ती का बंधन जुड़ने लगता है। राग रंग का यह लोकप्रिय पर्व वसंत का संदेश भी लेकर के आया है। प्रकृति भी नवीन रंगों से नवीन हो उठती है, जीवंत हो उठती है, प्राण का नया संचार अपने भीतर भरती है। फाल्गुन मास में मनाने के कारण इसे फगुआ या फाल्गुनी भी कहते हैं। हमारे बाग बगीचे खेत खलिहान चारों तरफ
रंगों की फुहार फूट पड़ती है। गुजिया नमकीन और ठंडई के दौर को भला कौन भूल सकता है। यदि हम अपने पुराणों की बात करें तो नारद पुराण भविष्य पुराण में भी होली का उल्लेख मिलता है। हमारे इतिहास में इसकी प्राचीनता बहुत काल से बनी हुई है। भक्त प्रहलाद हो, राधा रानी हो, श्री कृष्ण हो अथवा उनके साथ रामदेव का पुनर्जन्म हो या फिर शिव की बारात हो, आदि कई कथाओं में भी होली का वर्णन मिलता है। शिव भक्त शिव का वेश धारण करके, वेश बना करके होली के त्योहार के माध्यम से शिव के सन्निकट आने का प्रयास करते हैं। हमारे प्यारे देश भारतवर्ष में परंपराओं और उत्सवों का विशेष महत्व है, या यूं कहें कि हमारा देश भारतवर्ष परंपराओं और उत्सवों का ही देश है। हमारे यहाँ के सभी उत्सवों और परंपराओं में कोई न कोई निश्चित उद्देश्य को धारण किए हुए ही बनाया गया है। हमारे यहाँ के सभी उत्सवों और परंपराओं में कोई न कोई एक निश्चित उद्देश्य धारण की हुई होती हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर ही उनको हमारे धर्म में स्थान दिया गया है, धर्म से जोड़कर विशेष स्थान दिया गया है, हमारे जीवन की पद्धति में ला करके उन्हें जीवन का एक हिस्सा बनाया गया है। प्राचीन काल में हमारी सौभाग्यवती विवाहित माताएं और बहनों के द्वारा अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए मनाया जाने वाला यह लोकप्रिय त्योहार होली ही रहा है। वैदिक काल में होली को नवात्रेष्टि यज्ञ के नाम से जाना जाता था। नाच गायन देर रात्रि तक चलता रहता है और ब्रज की होली तो संपूर्ण विश्व के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। होली के त्योहार की प्रतिष्ठा को मित्रों हमें आपको बचाए रखना है, बनाए रखना है, सुरक्षित रखना है। इसे फुहरता के रूप में नहीं पनपने देना है। इससे हमारे धर्म को विधर्मियों के द्वारा दुष्प्रचारित किया जाएगा, तो इसका हमको विशेष ध्यान रखना है। आपकी होली मंगलमय हो, आपके जीवन में खुशियां भरी रहें। महादेव के आशीर्वाद रूपी रंगों से आपका जीवन रंगमय बनता रहे, आप आनंद के अनेक रंगों से परिपूर्ण हों, भर जाएं। किसी भी प्रकार की यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपना कमेंट हमको जरूर दीजिएगा। इस साल आप होली के त्योहार को कैसे मनाने वाले हैं जरूर बताइएगा। यदि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप आगे भी प्रेषित कर सकते हैं। होली की अनंत शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूं। हैप्पी होली, होली की अनंत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।